अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमको बताने वाले हैं कि अपने वीडियो में किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप जो है लाइक और सब्सक्राइब बटन को लगा सकते हैं दोस्तों। जिस तरह के आपने वीडियो में पहले स्टार्टिंग में देखा कि सब्सक्राइब और लाइक बटन किस तरह से लगा हुआ है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक देता है वीडियो को, तो उस तरह से आज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर बिना कुछ देरी किए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और आज जो एडिटिंग करने वाले हैं वो हम काइनमास्टर से करेंगे। तो काइनमास्टर ओपन कर लेंगे। काइनमास्टर में न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में 16:9 का रेशियो चुन लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ सेलेक्ट करेंगे उस थीम को। ये मेरा थीम आ गया है, इस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से थीम आ गया है। इस तरह का थीम आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना चैनल का लोगो ऐड करेंगे। तो लेयर पे सेलेक्ट, लेयर को सेलेक्ट करेंगे। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में आ जाएंगे। मीडिया में आने के बाद अब जो है हम लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं अपना चैनल का। तो सॉरी, डाउनलोड्स में है, हम आ जाते हैं लोगो पे, सेलेक्ट कर लेते हैं लोगो को। यहाँ से रीसाइज कर लेंगे, साइज छोटा बड़ा मुझे रखना हो इस तरह से, ठीक है। एक बार हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि उसी के साथ जो है इसको भी, लोगों को भी अप करेंगे। तो इन एनिमेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद स्लाइड अप चुनेंगे, स्लाइड अप चुनेंगे ताकि उसके साथ ही ये आए। और स्पीड हम एक पे रखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पीड एक पर रख लेंगे। देन एक बार प्ले करके देख लेते हैं। हाँ, ये साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है, ठीक है। साथ में तो आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है साथ में, तो उसके लिए जो है आउट एनिमेशन भी इसमें डालेंगे। तो आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन कर लेंगे, आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन नीचे तरफ जाता है, तो स्लाइड डाउन कर लेंगे और स्पीड जो है एक पर रखेंगे। अब हम प्ले कर लेते हैं फिर से, ठीक है, साथ में जा भी रहा है, बहुत बढ़िया। अब जो है हम यहाँ पे चैनल का नाम ऐड करेंगे, फिर से लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे चैनल का नाम लिखेंगे, जिससे अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया है, इसको हम कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, रेड कलर का, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसको आउटलाइन का इनेबल कर देंगे, ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा। उसके बाद रिसाइज करके
सही जगह पे इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है इसको स्टार्टिंग से कर लेंगे, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जिस तरह से हमने लोगों में जो है इन और आउट एनिमेशन डाला था, तो उसी तरह से जो वीडियो का सॉरी चैनल का जो नाम है उसमें भी एनिमेशन डाल देते हैं हम लोग। इन एनिमेशन में स्लाइड अप करेंगे, स्पीड एक पर रखेंगे। आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन करेंगे, स्पीड एक पर रखेंगे। क्लियर है? अब हम प्ले कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा साथ में आ रहा है, ठीक है, और ये साथ में जा भी रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको इसका साइज छोटा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है उससे वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, सट जा रहा है। तो थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब हम प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ बना है तो इसको वीडियो में आप यूज कर सकते हैं, और अपने वीडियो में जाके क्रोमा की का यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस वीडियो को जो है सेव कर लेंगे हम, जिस साइज में हमको सेव करना हो, जैसे कि फुल एचडी में हम सेव कर रहे हैं, और क्वालिटी हाई कर देते हैं। ये सेव हो चुका है वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी हेल्प मिल गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।